जिन लोगों को रायका में हाईकोर्ट के शिफ्ट होने से परेशानी थी, उन लोगों के लिए एक और ज़रूरी सूचना। सूचना ये कि सिदरा में ही ये जो बाकी जंगल आप देख रहे हैं, ये जंगल भी कटने वाला है। कटने वाला इसीलिए है क्योंकि एक ये फाउंडेशन स्टोन मेरे पीछे है और दूसरा स्टोन उससे भी पीछे है। ये स्टोन 2021 में लगाया गया और इसमें इसी एरिया में एक यात्री निवास, जो अमरनाथ यात्री आएंगे उनके लिए यात्री निवास बनना है, और उसके अलावा आपदा प्रबंधन केंद्र यानी डिजास्टर मिटिगेशन सेंटर भी इसी इलाके में बनना है। 2021 में इसका फाउंडेशन स्टोन 29 नवंबर को लगाया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की प्रेजेंस में, और उसके बाद अब जब इसके बिल्कुल बगल में तिरुपति बालाजी मंदिर जो है उसकी भी इनॉग्रेशन हो चुकी है, तो यहाँ पर एक और स्टोन लगाया गया है जो ये बताता है कि इस कार्य का शुभारंभ किया जा रहा है, यानी कि कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू होने वाला है। 6 जून 2023 को हरदीप सिंह पुरी, जो केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की मंत्री है, उसके अलावा मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर, इनकी प्रेजेंस में यहाँ पे इसी कार्य का शुभारंभ किया गया कि यहाँ पर एक यात्री निवास जिसमें 30,000 अमरनाथ यात्रियों के रुकने का प्रबंध होगा, उतनी कैपेसिटी होगी, वो एक यात्री निवास यहाँ पर बनाया जाएगा, और उसके अलावा डिजास्टर मिटिगेशन सेंटर यहाँ पे बनने वाला है। या पीछे जितने पेड़ यहाँ पर देख रहे हैं, जो झाड़ियाँ यहाँ पर देख रहे हैं, ये सब यहाँ पर काटे जाएंगे, और ये काटे इसीलिए जाएंगे ताकि यहाँ पर प्रबंध किया जा सके या अमरनाथ यात्रियों के रुकने का। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये ONGC का, यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का CSR इनिशिएटिव है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का इनिशिएटिव है, जिसके तहत यहाँ पर ये अमरनाथ यात्री निवास बनने वाला है। और इस अमरनाथ यात्री निवास के बन जाने के बाद देखना ये होगा कि यात्रियों का किस तरीके का एक्सपीरियंस यहाँ पर रहता है। साथ ही में अमरनाथ श्राइन बोर्ड जो है वो उस यात्री निवास की पूरी देख रेख करेगा। अगर बात की जाए अमरनाथ यात्रा की, इस समय आप जानते हैं कि अमरनाथ यात्रा चल रही है, और फिलहाल अभी तक जो है जब भी अमरनाथ यात्री जम्मू कश्मीर आते थे तो उन्हें जम्मू में भगवती नगर के बेस कैंप में रुकना पड़ता था। लेकिन आप जानते हैं कि उस बेस कैंप की कैपेसिटी बहुत कम है, यात्रियों को भी काफ़ी असुविधा होती थी वहाँ पर रुकने में, काफ़ी तंग जगह है, काफ़ी कम कैपेसिटी उस भगवती नगर बेस कैंप की है, और शहर के बीचों बीच क्योंकि वो बेस कैंप है, नतीजा ये निकलता है कि ट्रैफिक भी उस एरिया में बहुत ज़्यादा, कंजेशन उस एरिया में बहुत ज़्यादा, और काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ती थी। लेकिन एक फ़ायदा भगवती नगर बेस कैंप में रुकने का ये कि यात्री कम से कम जम्मू शहर को एक्सप्लोर कर पाते थे, जम्मू शहर देख पाते थे, जम्मू शहर में अलग अलग मंदिरों में जा पाते थे। सिदरा में ये जो बताया जा रहा है, ये इस यात्री निवास को बनाने का मकसद यही कि पहली बात तो ये कि यात्रियों को सुविधा हो, यात्री जिस समय जम्मू कश्मीर आए यहाँ पर एक काफ़ी 30,000 की कैपेसिटी वाला यात्री निवास हो जहाँ पर वो यात्री रुक सके, उसके बाद यहाँ से शहर के बाहरों बाहर ही उनके लिए कश्मीर जाना और अमरनाथ यात्रा करना और ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं सिदरा से डायरेक्ट आप जो है वो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की ओर निकल सकते हैं, आपको शहर के बीच से गुजरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन नुकसान उसका ये कि पहले का अगर यात्री जब भगवती नगर में रुक रहे हैं, इस समय भी रुक रहे हैं, तो वो कम से कम जम्मू शहर एक्सप्लोर कर पाते थे, जब यहाँ पर यात्री निवास बन जाएगा उसके बाद बहुत कम चांसेस होंगे कि यात्री यहाँ से निकलकर जम्मू शहर में जाएं और जम्मू शहर को एक्सप्लोर करें या जम्मू शहर के मंदिरों में भी जा पाएं। दूसरी बड़ी बात ये कि इस इलाके में जब ये यात्री निवास, उसके अलावा डिजास्टर मिटिगेशन सेंटर बनेगा, 2021 में फाउंडेशन स्टोन और 2023 में ये कार्य का शुभारंभ जो है वो उसके लिए भी स्टोन लगाया गया है। ये 2 साल का वक्फा जो निकला है, इसमें नेसेसरी क्लियरेंसेस जो हैं और बाकी सारी चीज़ें, उन्हें धीरे धीरे फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट किया गया ताकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया जा सके। और ये जो अभी आप जंगल यहाँ पर देख रहे हैं, तेज़ी से विकास इस सिदरा की रोड की ओर दौड़ता हुआ आ रहा है, इस सिदरा के इलाके की ओर दौड़ता हुआ आ रहा है, और आने वाले समय में जो बताया जा रहा है जानकार सूत्रों द्वारा कि दो साल की डेडलाइन रखी गई है कि 2 साल के अंदर अंदर यहाँ पर 30,000 की कैपेसिटी वाला अमरनाथ यात्री निवास जो है वो बनकर तैयार कर दिया जाएगा, और उसके बाद आपको इस सिदरा के इलाके का नक्शा बिल्कुल अलग थलग दिखेगा।